नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो वो है कुबोटा MU5502, क्योंकि भाई 50 HP का ट्रैक्टर है, 2-व्हील ड्राइव, उसका ये वाला वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई, इसका रिव्यू, स्पेसिफिकेशन वगैरह। पीछे का टायर की सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 1628 के टायर, और सामने के टायर की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 750-16 के टायर। ये 2-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, उसके बावजूद भी आपको लगभग 2 से 2.5 क्विंटल वजन सामने देखने के लिए मिलेगा ट्रैक्टर में, ताकि ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग वगैरह ना करे। फ्रंट एक्सल की बात करें तो काफ़ी हेवी फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा, और देख सकते हो जो साइज है ना फ्रंट एक्सल की, वो काफ़ी बड़ी है। ये भाई मेरा हाथ इतनी बड़ी है। उसके बाद आपको इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जिसका कि उसको नीचे से पकड़ के रखा हुआ है एक यू क्लेम के द्वारा। साइलेंसर की बात करें तो ये एग्जॉस्ट पाइप है, और उसके ऊपर जाली लगी हुई है, जिससे कि आपका हाथ वगैरह ना जले। बोनेट ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो अपना हाइड्रोलिक जेक मिलेगा बोनेट ओपन करने के लिए। उसके बाद अपन लोग बात करें तो आपको 6 इंची का सामने एयर फ्रेम देखने को मिलेगा, उसके नीचे एक साइड की बैटरी देखने को मिलेगी, और रेडिएटर के सामने आपको जाली देखने को मिलेगी, जिससे कि कचरा वगैरह आपको रेडिएटर में अंदर ना जाए और आपकी कूलिंग खराब ना हो ट्रैक्टर की। सामने आपको रिजर्वर देखने को मिलेगा अपना कूलेंट का। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 65 लीटर का फाइबर वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इंजन की बात करें तो 2434 cc आपको टर्बो प्लस EGR इंजन देखने को मिलेगा, 4 सिलेंडर वाला माइक्रो के पंप के साथ में, और उसके साथ में ECDIS इंजन है और 4 वोल्ट के साथ में बैलेंसर शाफ्ट आपको देखने को मिलेगी, जिससे ट्रैक्टर वाइब्रेशन और उसके बाद साउंड वगैरह ट्रैक्टर का आपको थकान महसूस ना हो और साउंड कम करे, वाइब्रेशन ना करके। नीचे से आप देखेंगे ना तो आपको चेंबर की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जिससे इसको टूट फूट की ना हो। सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो हीच वाला पॉइंट है, जिससे सबसे पहले वो लड़े और ट्रैक्टर डैमेज ना हो। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक फिल्टर देखने के लिए मिलेगा, और सामने आपको इंजन अपना इंजन ऑयल फिल्टर हो गया। यहाँ पर आपको 2 डीजल फिल्टर देखने को मिलेगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उसके बाद में आपको अपना वाटर सेपरेटर भी यहीं पर देखने को मिलेगा, लेफ्ट आपको राइट साइड में। प्लेटफॉर्म की अगर अपन बात करें ना तो आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, इतना बम्प भाई चलता है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो ये 12+4 स्पीड के साथ में आता है, 12 फोर्ड+4 रिवर्स, डबल PTO आता है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, ये रहा इसका अपना PTO, आगे इसको ऑन कर सकते हैं, पीछे ऑफ, हाई लो मीडियम प्लस रिवर्स और 1 2 3 4। और इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ से आप देख रहे हैं ना ट्रैक्टर को, तो सामने सेक्टर झुका हुआ है और यहाँ पे से उठा हुआ है। उसके बाद अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको केप देखने के लिए मिलेगी फ्यूल टैंक की, जिससे आप यहाँ से ओपन लॉक मिलेगा, यहाँ से आप अपना डीजल फिल कर पाओगे। ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा भाई ट्रैक्टर का साउंड कैसा है। तो यहाँ पर आपको चाबी लगाने के लिए मिलेगा, ये भी फाइबर का है, ताकि ये लोहे का रहता ना, एक प्रॉब्लम आती है रस्टिंग की, इसमें वो प्रॉब्लम ना आए। भाई ट्रिगर हो गया, क्योंकि अपन ने ये वाला गियर न्यूट्रल नहीं किया था। तो कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर साउंड है, और स्टीयरिंग भाई काफ़ी स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको स्टेयरिंग व्हील देखने में आए। यहीं पर आपको हैंडब्रेक देखने के लिए मिलेगा, ये अपना हाई हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपको सिंक्रोमेस देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका वाइब्रेशन वगैरह जो रहता है ना, मतलब अपन जब गियर लगाते हैं तो ट्रैक्टर में गियर बॉक्स में तो आवाज़ आती है, वो आपको आवाज़ ना आए। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो भाई 1000 इंजन रेटेड आपको RPM देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि तो भाई ये और बंद करने के बाद के तो आप इसे चाबी से ही बंद कर सकते हो। टर्बो ट्रैक्टर है तो भाई इतने इंजन RPM ट्रैक्टर को चाहिए अच्छे से ऑपरेट होने के लिए। मैं आपको ये बोलूँगा, टर्बो ट्रैक्टर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसके 5 आधे या 1 मिनट तक आप इसे ऑन करके रखें, ताकि भाई टर्बो ट्रैक्टर को ये ज़रूरत पड़ती है, और बंद करने के पहले भी आपको उसको थोड़ी देर नॉर्मल RPM पर रन करना पड़ा। टर्बो ट्रैक्टर को क्या रहता है, आपको ज़्यादा RPM पर चलना पड़ता है, तब जाकर वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बहुत बढ़िया वाली। उसके बाद अपन बात करें तो आपको फ्लोर मैट देखने में मिला, जिससे कि आपको पैर स्लिप ना करे अगर गीले हैं, और आपके हीटिंग वगैरह आपके पैरों में ना हो। सस्पेंडेड टाइप आपको क्लच और ब्रेक पेडल्स देखने के मिलेंगे ट्रैक्टर में। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें इसमें तो इसमें आपको 2100 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, ADDC टाइप हाइड्रोलिक है। इसमें आपको 3 पॉइंट आपको इसमें सेंसिंग के लिए देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3, आपको 750 और 540 दो PTO RPM ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सपोर्ट आपको मडगार्ड पे देखने को मिलेगा, जिससे कि मडगार्ड वाइब्रेट ना करे, और इस पर आप ROPS भी अलग से फिट करवा सकते हो, जिससे कि मजबूती ज़्यादा। कंपनी फिटेड आपको हिस्स देखने को मिलेगा, कंपनी फिटेड ड्रॉबार, कंपनी फिटेड टोपनिंग। उसके साथ में अपन बाद में बैठ कर तो आपको टेलीस्कोपिक स्टेबिलाइजर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि आपको ट्रैक्टर को आपको इंप्लीमेंट एडजस्ट करने में, साकल से अगर आप एडजस्ट करेंगे ना तो उसमें आप सही साइड एडजस्ट नहीं कर पाते, इसमें बढ़िया से आप एडजस्ट हो पाएंगे। पीछे इसलिए एक्सेल की बात करें, इसमें आपको प्लेनेटरी ड्राइव एक्सेल देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी हैवी।
पीछे तब आपको एक और पाइप दिया गया है सपोर्ट के लिए मड गार्ड वाइब्रेट ना करे, उसी के ऊपर आपको टूल बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। एक आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, रात के टाइम पर ट्रैक्टर भाई ऐसे ना दिखे तो ये रिफ्लेक्टर की वजह से दिख जाए। पीछे तब आपको ऑपरेटिंग हेडलैम्प देखने के लिए मिलेगा, जिससे इंप्लीमेंट आप कोई भी इसमें चलाएंगे रात को तो आपके लाइट के लिए काम आएगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो भाई थोड़ा ठीक ही है, मतलब लुक की बात करें तो हेलोजन वाले आपको इसमें इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। किसान भाई अपन डायमेंशन वेट वगैरह ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में आपको लगभग मिलेगा 22 से 22.5 क्विंटल वजन विदाउट बम्पर। और उसी के साथ में अपन लोग बात करें व्हील बेस की तो 2050 mm का व्हील बेस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा और 3715 mm की टोटल ट्रैक्टर की लंबाई है और 1965 mm ट्रैक्टर की चौड़ाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 420 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा ट्रैक्टर में और 2900 mm का आपको टर्निंग रेडियस है एक टायर पर अगर ट्रैक्टर को आप घुमाते हैं तो। टायर ऑप्शन की बात करें इसमें आपको 14 के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और सामने आपको 750/16 के टायर देखने के लिए मिलते हैं। ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो 975 आपको ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी, बाकी आप डीलरशिप आके जानकारी ले सकते हो भाई ट्रैक्टर की, कि आपको डेमो वगैरह और प्राइस में भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। डीलरशिप की मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, कुबोटा, कोई सा भी आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आप हरदा में आकर आप भगवती ट्रैक्टर एंड पार्ट्स हरदा और खातेगांव आप दोनों जगह पर कहीं पर भी विजिट कर सकते हो कुबोटा के रिलेटेड कोई भी ट्रैक्टर के लिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।